हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और गुड न्यूज भी आप इसे कह सकते हैं। आप लोगों के पास ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि पीआरटी में बीएड वाले कैसे 1-5 में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ ही टीजीटी वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिनका अभी तक सीटेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है। अगर आपका इस वीडियो में मेरा यही इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देना था कि अगर अभी आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो पीआरटी एंड टीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अलग से नहीं आया है, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करते समय आपके पास ऐसे कॉलम्स आएंगे। ओके, आप जब लास्ट से फॉर्म फिलअप करते जाएंगे तो आपके पास कॉलम आएंगे। उसके ये कॉलम भी आप आए आपके सामने आए होंगे, बहुत सारे लोग जो फॉर्म फिलअप कर लिए हैं उनके साथ भी ऐसे कॉलम्स आए होंगे उनके सामने। पहला है सीटेट पेपर वन। पेपर वन और बीएड इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि 1 ईयर 2 ईयर दोनों लोग बीएड, जो बीएड है 1 ईयर 2 ईयर दोनों लोग दे सकते हैं, और बीएड के इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉलम आएगा सीटेट पेपर वन। ओके, तो सीटेट पेपर वन पीआरटी के लिए इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर 2018 कैंडिडेट्स, सीधा सीधा लिखा है कि 2018 कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और ईयर में 2018 ईयर अप्लाई कर दीजिएगा, 2018 फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी 2018 फिल, और यहाँ पे मार्क्स जो पूछा है वहाँ पे मार्क्स वाला कॉलम आप ओपन खाली छोड़ दीजिएगा, उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो लोग सीटेट सेकेंड पेपर क्वालिफाइड नहीं है और टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको करना ये होगा कि अपना इंटर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 2018 वाला उसको फिल करना होगा, यहाँ पे 2018 फिल करना होगा पासिंग ईयर में, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये वाला कॉलम फिर उन्हें खाली छोड़ देना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन लोगों का ये आ रहा है कि दोनों का सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो हाँ दोनों में आप सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, और ये पेज आप तब फाइंड कर पाएंगे जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, KBS में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये पेज और आप फाइंड करेंगे और वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। ओके, और अगर आपको KBS PRT का सिलेबस चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हर कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सारे वीडियोज सारे लेक्चर सारे ऑडियो क्लिप सब कुछ एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक बात और, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी बंदा पीआरटी में अप्लाई करने से चूके ना और किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, नहीं तो हम भी अप्लाई कर देते। देखिए, आप लोकहित में जन कल्याण में अगर एक कदम उठाते हैं ना तो नेचर आपके आपके फेवर में 100 कदम आगे बढ़ाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जितने भी ग्रुप में हैं आप फेसबुक पे हैं सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक। ओके, एंड अगर कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।